उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिक्षण संस्थानों के मालिक के घर हुई 1 करोड़ से अधिक की चोरी का पुलिस ने राजफाश कर दिया। एक महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने वाले शराफ पिता पुत्र को भी पकड़ा है। नकदी समेत काफी जेवर पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। गिरोह का सरगना अभी फरार है। पुलिस लाइन में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नंगला बट्टू रोड निवासी कारोबारी विपिन जैन कुछ समय पहले स्वजन संग देहरादून गए थे। 27 अगस्त को बदमाशों ने उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 1 करोड़ से अधिक की चोरी बताते हुए उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। एसपी सिटी ने बताया कि 3 टीमों को राजफाश के लिए लगाया गया था। सीसीटीवी की जांच के बाद एक ई रिक्शा दिखाई दिया। उसके चालक अकबर अब्बासी निवासी फतेहुल्लापुर लिसाड़ी गेट को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि उनके गिरोह ने ही वारदात को अंजाम दिया है। गिरोह में इरशाद उर्फ इकबाल, इकराम और इस्लामुद्दीन निवासी मदीना वाली गली मानकमऊ थाना कुतुब शेर सहारनपुर तथा कुलदीप निवासी गलीरा चौक हरिलोक कॉलोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर है। इकराम और इस्लामुद्दीन हाल में शाहजा कॉलोनी समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट में रह रहे हैं। पुलिस ने सोराब गेट डिपो से इरशाद, कुलदीप और इकराम को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से काफी माल बरामद हुआ। इन आरोपितों ने बताया कि कुछ माल इरशाद की बहू सितारा पत्नी इस्लामुद्दीन के पास है। पुलिस ने दबिश देकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। 27 और 28 अगस्त की रात्रि में 27/28 की रात्रि में नंगला बट्टू रोड पर साकेत क्षेत्र में एक सनसनीखेज एक चोरी हुई थी। जैन साहब जो वादी हैं वहाँ के रहने वाले थे और वो देहरादून गए हुए थे और उनके घर में रात्रि में किसी समय कुछ बदमाशों ने ग्रिल काट के घर के और चोरी कर ली थी। ये पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 टीमें इसमें नियुक्त की गई थी और तीनों के अलग अलग काम निर्धारित किए गए थे। प्रसन्नता का विषय है कि ये लगभग 10 दिन में हमें इसमें इस गैंग को वर्कआउट करने में और काफ़ी सामान जो चोरी गया था उसको बरामद करने में हमको सफलता मिली है।